किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पारस दागण में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने लहसुन जमीन में बोया था, खेतों में बोया था, उस लहसुन को हमने निकाल भी लिया था दोस्तों। निकालने के बाद हमने इसको बांध के अब रख दिया है दोस्तों। अब इनकी स्थिति यह हो चुकी है कि हमारा जो लहसुन है वो पूरी तरह से सूख चुका है। और दोस्तों, पूरी तरह से सूख जाने के बाद में हम इसको अब घर पर ले जा रहे हैं और घर पर ही हम अपने लहसुन की कटाई करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने ये लहसुन है, इसका हमने लहसुन को उखाड़ के ऐसे बांध दिया है, जो कि आप दोस्तों इस वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों। ये अब पूरी तरह से पौधा पूरी तरह से सूख चुका है। अगर हम लहसुन के पत्तों की बात करते हैं तो ये लहसुन के पत्ते इसी तरह टूटने लग गए हैं। और दोस्तों, अगर हम लहसुन के कवर की बात करते हैं तो लहसुन का कवर भी पूरी तरह से सूख चुका है दोस्तों। अब हम अगर इसके नमी की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की अभी नमी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, यह पूरी तरह भंडारण के लिए अब सुरक्षित हो चुका है, अब हम इसका भंडारण कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई लोग लहसुन को खेतों से निकालने के बाद जब घर पर इसका स्टोक करते हैं इसी तरह बिना कटाई के पहले, तब बहुत सारे किसान भाई लोग जब इसमें नमी होती है तब वो इसको घर पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें बहुत सारी शिकायतें आती हैं, उसके जो लहसुन है वो दातला होने लग जाता है, फफूंद आ जाती है और दोस्तों इसका कवर बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, उसका यही कारण रहता है कि वो पूरी नमी न निकलने के पहले ही इस लहसुन को घर पर ले जाते हैं, जिसके कारण उनमें पूरी तरह से उनका लहसुन और लहसुन की कलियां ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा कहने का अनुमान और यह हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो में कि आप लहसुन का अगर स्टोर करते हो तो आप अपने घर पर इसको पूरा सूखने खेत में पूरा सूखने के बाद ही अपने घर पर ले जाइए। और दोस्तों, घर पर ले जाने के बाद आपको हवादार स्थान पर इसका स्टोर करना चाहिए दोस्तों। घर पर हमारे जो ले गए अभी यहाँ का लहसुन, उसका हमने कैसे स्टोर किया, कटाई बाद में करेंगे दोस्तों। 3 से 4 महीने के बाद में हम लहसुन की कटाई करेंगे, उसके पहले हमारा लहसुन घर पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वो हमने कैसे स्टोर किया है लहसुन का, तो दोस्तों हम आपको घर पर जाने के बाद में बताएंगे दोस्तों। अगर आप लहसुन का स्टोक सही तरीके से करते हो तो आपका जो लहसुन का कंद है उसका आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, न इसके कवर पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही आपको कुछ दिक्कत मिलेगी दोस्तों। ये हमारे, अगर हम लहसुन के कंद की बात करते हैं तो हमारे लहसुन का कंद बहुत ही बढ़िया है। हमको ज़्यादा छोटा अंटी माल दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा मीडियम है और थोड़ा बड़ा माल है, जो कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हो। हमारे ठीक ठाक लहसुन हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान।